कांगड़ा जिले में पौंग झील के रामसर क्षेत्र में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 4.5 करोड़ रुपए की योजना जल्द होगी लागू। सैलानियों को मिलेगी कई नई सुविधाएं। प्रदेश सरकार ने जंगली जानवरों की बढ़ती समस्या को देखते हुए किसानों के हित में मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना की शुरू। सोलर फेंसिंग के लिए 80-85% अनुदान का है प्रावधान। महिला पुलिस भर्ती के लिए ऊना के झलेड़ा पुलिस लाइन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने बहाया पसीना। 5 दिवसीय प्रक्रिया में भरे जाने हैं कुल 95 पद। ऊना के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के कोटला कला में जिला स्तरीय वन महोत्सव का पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने किया शुभारंभ। कहा 7 एकड़ भूमि में पौधे रोपित कर उनकी देखभाल का स्वयं लेंगे जिम्मा। लाहौल स्पीति में लीलियम प्रजाति के फूलों की बड़ी मांग। दिल्ली की फूल मंडी में ओरिएंटल और एशियाटिक फूलों की खेत से ही हो रही है एडवांस बुकिंग। वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने मनाली के गुलाबा में इको पार्क का किया शिलान्यास। 2 हेक्टेयर भूमि पर बनने वाले आधुनिक पार्क में पर्यटक साल भर कई साहसिक गतिविधियों से होंगे रोमांचित। श्रीखंड महादेव यात्रा ट्रस्ट ने श्रीखंड दर्शन के बाद वापस लौट रहे श्रद्धालुओं को एहतियात बरतकर धीरे धीरे नीचे आने की दी हिदायत। कहा बर्फ अधिक होने के कारण ऐसी गतिविधियों से कभी भी हो सकता है गंभीर हादसा। 400 और स्कूलों में प्री नर्सरी की कक्षाएं शुरू करेगा शिक्षा विभाग। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और शिक्षक मिलकर प्री नर्सरी कक्षा के बच्चों को देंगे शिक्षा। अभी तक 3,391 स्कूलों में चलाई जा रही है प्री नर्सरी कक्षाएं। ऑस्ट्रेलिया के समोआ में आयोजित कॉमनवेल्थ भारोत्तोलन प्रतियोगिता में चंबा जिला के भटियात क्षेत्र के वेटलिफ्टर कल्याण सिंह रजत पदक हासिल कर वापस लौटे। प्रदेश के कुछ स्थानों पर वर्षा का क्रम जारी। अगले 2 दिनों तक मौसम के खराब रहने की संभावना।